बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 पावर 1 प्लस x प्लस 7 पावर 1 माइनस x इज़ इक्वल टू 50। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको इस रूल के मुताबिक करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 7 पावर 1 मल्टीप्लाई 7 पावर x प्लस 7 पावर 1 मल्टीप्लाई 7 पावर माइनस x इज़ इक्वल टू 50। इसके बाद क्या करेंगे, 7 पावर 1 एक इसके बराबर है 7 के, मल्टीप्लाई 7 पावर x प्लस 7 पावर 1 7, और इनको नीचे यहाँ डिवाइडेड में लिख देंगे तो इनका पावर प्लस हो जाएगा 7 पावर यहाँ 50। इसके बाद क्या करेंगे, लेट ले लेंगे 7 पावर x को a के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7a प्लस 7 नीचे डिवाइडेड में 7 पावर x की जगह a इज इक्वल टू 50। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ जाएगा 7a² एलसीएम लेने के बाद प्लस 7 नीचे डिवाइडेड में a इज इक्वल टू 50। इसके बाद क्या करेंगे, इस a को इधर लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 7a² प्लस 7 इज इक्वल टू 50a। फिर क्या करेंगे, 50a नहीं, इनको इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ जाएगा 7a² माइनस 50a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इनको इस तरह लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 7a² इनको लिख देंगे -49a माइनस a, इनसे दोबारा क्या आता है -50a आता है। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों से 7a को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा a माइनस 7, इन दोनों से -1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, एक ये दोनों सेम, एक ब्रैकेट में इनको लिख देंगे a माइनस 7 को, दूसरे ब्रैकेट में 7a माइनस 1 को लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक आ गया a माइनस 7 इज इक्वल टू 0, जबकि दूसरा आ गया 7a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, -7 को इस साइड बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा a इज इक्वल टू 7। इसके बाद क्या करेंगे, a को हमने किसके बराबर लिया था, a को हमने 7 पावर x के बराबर लिया था, यहाँ 7 पावर x लिख देंगे, यहाँ 7 के ऊपर कोई पावर नहीं तो यहाँ 1 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हमें एक रूल का पता है, वो क्या है, a पावर m इज इक्वल टू a पावर n, वो बराबर होता है m इज इक्वल टू n के, तो इनको भी इस तरह करेंगे तो यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू 1। x की पहली वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, -1 को इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ जाएगा 7a इज इक्वल टू 1, फिर दोनों साइड को 7 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी, ये 7 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ a इनको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ जाएगा a इज इक्वल टू 7 पावर माइनस 1। इसके बाद 7 को हम a को हमने किसके बराबर लिया था, इसको हमने 7 पावर x के बराबर, यहाँ 7 पावर x लिख देंगे इज इक्वल टू 7 पावर माइनस 1। फिर क्या करेंगे, इस रूल के मुताबिक ये वाला नहीं, ये दो, तो इस रूल के मुताबिक यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू -1, x की दूसरी वैल्यू आ गई -1, x की पहली वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू 1 और दूसरी आ गई x इज इक्वल टू -1।